सकते हैं कि किस तरह से ये ड्रिल मशीन चलती है। आइए आपको इसकी सारी जानकारी भी दी जाएगी। इसकी जानकारी इस ऑपरेटर से पूछते हैं। सर, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि ये जो एक्सकवेटर मशीन है, इसी में मतलब ड्रिल मशीन फिट हुई है, तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं? ये सब तो एक्सकवेटर में दिया हुआ है पूरे फंक्शन। जी हाँ, जी जी, सब इसके बारे में नॉलेज चाहिए, सब एक्सकवेटर वाले। बस ये जो लीवर दिया है, जी जी जी, यही सब ये ड्रिल का ये मेन कंप्रेसर जो पीछे फिट हुआ है। जी 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 जी, पीछे जो कंप्रेसर फिट हुआ है, जी, लीवर सिस्टम दिया गया है। ये जो मास्ट है जो ड्रिल का ड्रिलिंग करने का, ये सब सिस्टम है। इसमें भी बिना हाइड्रोलिक पर जब तक ये हाइड्रोलिक सिस्टम लगा है, ये अपना एक्सकवेटर काम करता है। ये भी हाइड्रोलिक सिस्टम से ही चलता है, ये ही सब हाइड्रोलिक सिस्टम का ये भी काम नहीं करता। तो ये बताइए कि आप ये जो फंक्शन दिए हुए हैं, मतलब ये जो लीवर दिए हुए हैं, मतलब ये क्या काम करते हैं, क्या वर्क है इनका, इनके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जब ये वाला जो लीवर है, ये मेन चीज़ ये है, जैसे अपना ये जब तक ये लॉक उठाएंगे नहीं, चाहे गिराएंगे नहीं, तब तक ये कोई आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। जी, मेन इसका ये जैसे एक्सकवेटर में लॉक होता है, जी, लॉक गिराने के बाद ये अपना फंक्शन काम करता है। इसीलिए इसमें भी सिस्टम है कि जब तक ये इसका ये लॉक है, जब तक ये पूरा इधर अंदर खींचेंगे नहीं, प्रेशर बनाएगा नहीं, ये 100-200 पर काटा जाएगा नहीं, तब तक ये आपका फंक्शन कोई नहीं काम करेगा। जो भी काम करना है तो इसको खींच के ही काम करें। जी जी, ये वाला हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर की दिए, ये है, ये जो लीवर है जी, ये आपका मास्ट खड़ा करने के लिए, मास्ट खड़ा कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं जी। इसमें ये वाला दूसरा जो नंबर है मास्ट लग का है जी। मास्ट चलते समय, मास्टिंग करते समय आपका मास्ट हिले डोले ना, इस हिसाब से आपका ये मास्ट लग, ठीक है। ये है आपका एयर का प्रेशर, जब ड्रिलिंग करते समय जब ड्रिलिंग करेंगे तो मिट्टी अंदर से कैसे फेंगे, जब तक हवा नहीं, प्रेशर जी, जी, जी। ये सिस्टम काम करती है, इसको खींच कर ये सब काम करेगा सारे। मतलब किसी भी फंक्शन को करने से पहले उसको मतलब पूरा प्रेशर खींचना पड़ेगा, हाइड्रोलिक सिस्टम लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये है आपका ऑटो फिट। ये एक बार नीचे कर देंगे, जब जैसे ये खींच दिए, ये वाला खींचा गया ना, ये ऑटो अगर खींच देंगे तो ऑटोमेटिक जाने लगेगा नीचे, रॉड नीचे जाते समय रट जा रहा है ना, किस तरह से रॉड जा रही है। ये ऑटोमेटिक ड्रिलिंग करने के समय ये ऑटो लगा दिया जाता है, फिर इसको माने दबाना ना पड़े, ऑटोमेटिक जाएगा जी। जैसे अब लगा दिया ऊपर में, ऊपर जा रहा है ऊपर, बस इसका यही सिस्टम, और कोई नहीं है। और उसके बाद ये वाला जो लीवर है जी, ये तो खींचा ही रहेगा प्रेशर, ये है जो खींच देंगे तो ये रोटेशन काम करेगा, रॉड घूमने लगेगा। अच्छा, ये रॉड घूमने लगेगी। हाँ, ये रॉड घूमने, देख रहे हैं आप किस तरह से रॉड घूम रही है जी। ये वाला सिस्टम, ये जो अगर ये लीवर है जी, अगर ड्रिलिंग करते समय आपका अगर 6 मीटर का होल अगर पूरा कंप्लीट हो गया जी, ये वाला जो इससे डायरेक्ट आप उठा सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर कर सकते, होल मार के ऊपर उठा सकते हैं जी। हाँ जी हाँ, ये ऊपर करने के लिए और ये वाला जो है, ये आपका हैम्बर खोलने का काम आता है, जो वो पाना दिखाई दे रहा है, जो पाना नीचे की लटका हुआ है, जो नीचे की तरह है, हाँ वही पाना, वो पाना जो है जो हैम्बर उम्बर चेंज करने का काम होता आता है, वो रड चेंज करने का, यही सब ये लीवर काम आता है, तो खोलने और कसने के लिए, टाइट करने के लिए ये लीवर काम आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये वाटर पंप का है जी। जो कंप्रेसर का पीछे एक टंकी होगा, उसमें पानी रहता है, तो अगर होल मारते समय आपका डस्ट उड़ रहा है जी, तो डस्ट को ना उड़े इसलिए ये पानी चालू किया जाता है, कि थोड़ा गीला मिट्टी फेंकेगा तो डस्ट नहीं उड़ेगा, ये हम जानते हैं, किसी को प्रॉब्लम परेशानी ना हो डस्ट से जी। इसलिए ये वाटर पंप दिया गया है सिस्टम जी। बस और ये क्या है, ये
ये जो है ड्रिलिंग करे, जब पानी जब डस्ट उड़ेगा तो पानी जो पानी जब हम चालू करेंगे तो इसको थोड़ा हम ढीला कर देंगे, क्योंकि जब ढीला करेंगे ये सब इसके थ्रू ये जो पानी का पाइप दिया गया है जो सिलेंडर में कसा गया है वही पानी भेजता है, इसका यही सिस्टम है। अच्छा, इसके रॉड ढीला भी कर सकते हैं, स्लो में टाइट, स्लो में चलेगा ढीला करेंगे टाइट करेंगे तो रॉड फास्ट भी होगा, ये वाला वो सिस्टम है। रॉड स्लो में चलाना है, जैसा फेस रहेगा हार्ड में स्वेल में किस हिसाब से चलाएंगे वो इसलिए दिया गया। और ये जो मीटर दिया है ये किस लिए दिया गया है? ये जो है ये कैमरा है पीछे, अच्छा कैमरा है पीछे, अगर पीछे से लेना है जी, हाँ जी, लंबी मशीन रहे पीछे हमको कैसे दिखाई देगा, इसलिए कंपनी कैमरा दी है। ठीक है, ठीक, ये वाला जो है कैमरा का है जी, हाँ जी, ये वाला जो स्विच ऊपर कर देंगे तो कैमरा चालू हो जाएगा, और ये जो ये वाला स्विच है, ये वाला स्विच आपका ये ऊपर रेड बल्ब लगा है घूमने वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, वो ये बल्ब का काम करता है जी जी जी। बाकी सब तो एक्सावेटर की तरह है, एक्सावेटर का ही सब सिस्टम है जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पूरी जानकारी दी, और आप भी थोड़ा सा बोल दीजिए कि लाइक करें शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी हमारे हमारे जो चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और फॉलो करें सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करें। बस क्या है, कुछ लोग एक्सावेटर तो चलाना जानते हैं लेकिन कुछ लोगों को ड्रिल का जरा सा भी नॉलेज नहीं होता है, जी हाँ, और कोई खास तो नहीं है जी जी जी। आपका ब्लॉग, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।